नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी भारत और मैं हूं आपके साथ साक्षी। जिले में आए दिन हो रही हत्याओं से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते 24 अप्रैल के दिन एक वृद्ध महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को जिले के सिलाव थाना क्षेत्र नरहर पुल के नीचे फेंक दिया गया था। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई ने बताया कि वृद्ध महिला लालती देवी 24 अप्रैल को अपने घर मंदलपुर से दवा लेने के लिए बिहार शरीफ के लिए निकली थी, जिसके बाद वह अपने घर नहीं लौटी। वहीं जब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो प्रशासन द्वारा आनाकानी कर मामले को दबा दिया गया। वहीं 5 दिन बाद जब परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से थाने का घेराव किया तब मामला दर्ज कर शव लाने का आश्वासन दिया गया और घंटों हुए सड़क जाम से लोगों को हटाया गया। ये हमारे फुआ के मैंने जमीन थी, जमीनी विवाद है सर, सुनील गोप से, झरंगी गोप से, जीतन गोप से, जगदीश गोप से अपहरण करके मार दल के सर। अपहरण कब कब किया? 24 तारीख को रात को। 24 तारीख को दवाई लाने। अच्छा, फिर? फिर मैंने थाना में नहीं केस ला रहे हैं सर, अधिकारी मैंने उसको कुल के नहीं पकड़ रहे हैं सर। जी नहीं, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? थाना घेराव कर रहे सर। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? धरना पर बैठे रहेंगे सर। इन लोग का मांग है कि अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द इन लोगों को। भाई इनका जमीन बहुत दिन से हड़प ले है और उल्टे इन्हीं लोग पर थाना के द्वारा केस भी किया जाता है। क्या लग रहा है कि थाना की मनमानी? मनमानी तो है भैया, इससे और बड़ा मनमानी कौन सी हो सकता है? आप भी देख सकते हैं। घटना क्या हुई थी? घटना इनको दवा लाने बिहार शरीफ गए थे, वहाँ से चार गो आदमी मिल के झौरंगी सुनील यादव दो आदमी आओ है जो सब उठा कर दो चार आदमी आओ साथ है स्कॉर्पियो पर बैठा के उठा कर ले जाकर नानन वाला रोड में उनका कोई रिलेशन लगता है जो मुद्दाले हैं उनका रिलेशन रहता है, नाक मुंह चूर करके जान मार दिया। ये हमारे